राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आज मशोबरा ब्लॉक में 98,000 बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल की खुराक। श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने श्रम महानिदेशक से की भेंट, श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाओं के दिए सुझाव। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किन्नौर जिला में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को निःशुल्क कानूनी सलाह की गई प्रदान। कृषि विभाग जायका ने गलगल के पौधों के रोपण के लिए किसानों को किया जागरूक, किसानों को 1200 गलगल के पौधे किए वितरित। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा 2 करोड़ की लागत से निर्मित होगा शामला घाट स्कूल का भवन, कहा 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जारी है 250 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्य। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुनगा की NSS इकाई व मयूर क्लब के संयुक्त तत्वाधान में वन महोत्सव का किया गया आयोजन, प्रधानाचार्य सुमन चंदेल ने देवदार का पौधा रोपित कर पौधारोपण अभियान का किया शुभारंभ। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा 1.5 साल से सिर्फ छीनने का काम कर रही प्रदेश सरकार, कहा जो योजनाएं लोगों के लिए वरदान थी उन्हें बंद करना जनहित के खिलाफ।